मैं धर्मशीला आप सबको नमस्कार कर रही हूँ। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों को वेल्स ले चलूँगी। वेल्स जो कि ग्रेट ब्रिटेन के चार देशों में से एक है, जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग में है। वेल्स अपने उबड़ खाबड़ समुद्री तट, पहाड़ी नेशनल पार्क, भाषा और केल्टिक कल्चर वगैरह के लिए जाना जाता है। इस बार हमारा ट्रिप 3 दिन का बना और इस बार हमने सोचा कि किसी पर्टिकुलर जगह जाने से बेहतर होगा कि हम बस ऐसे ही घूमते जाएं और जैसे जैसे जो भी जगह मिलेगा हम उसको देखेंगे। जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो कारमार्थन पहुंच के वहाँ के स्कंदवेल मंदिर में जाना है, और जो कि यहाँ से 261 माइल्स मतलब कि लगभग 420-421 किलोमीटर है। ये जगह वेल्स में है, तो हम लोग अपना जर्नी सुबह के 8 बजे शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जो कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र और मठ है जहाँ की कई धर्मों को एक साथ माना जाता है। ये जगह वेल्स के कारमार्थन शहर में है और इसका नाम है स्कंदवेल। लगभग 2 घंटे तक चलते रहने के बाद हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं। ये एक अच्छी जगह है, काफ़ी कुछ है खाने पीने को। M&S फूड्स है, कोस्टा कॉफ़ी है, ग्रेक्स है। अच्छा, एक ब्रेक लेने का जगह है और फिर हम लोग यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे थोड़े देर में। वेल्स में घुसते ही हमने नोटिस किया कि वहाँ भाषा बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश और वेल्च भाषा में लिखा हुआ है। हमने ये भी नोटिस किया कि वेल्च भाषा इंग्लिश से बहुत अलग है, स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन में भी बहुत फर्क है। तो लगभग लंदन से 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग स्कंदवेल पहुंचे। स्कंदवेल मंदिर दूर जंगल में बड़ा ही एकांत में बसा है। यहाँ लंदन से आने में हम लोगों को 6 घंटे का समय लग गया। पार्किंग की सुविधा है और पार्किंग से मंदिर तक की दूरी तय करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, जो कि पैदल चलकर ही जाना होता है। ये हम लोग शक्ति मंदिर के रास्ते में आ गए हैं। आज गर्मी है, फिर से शुरू हो गया गर्मी। 24-25 डिग्री टेम्परेचर है और काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, तो थकान सा हो गया है। स्कंदवेल की स्थापना 1973 में गुरु श्री सुब्रमण्यम ने किया था। यहाँ प्रमुख देवी देवता वैसे तो हिंदू धर्म को दर्शाते हैं, पर यहाँ के ज्यादातर मॉन्क्स और नन्स पश्चिमी बैकग्राउंड के ही हैं। यहाँ प्रमुखतः मुरुगन, विष्णु और शक्ति देवी की पूजा होती है। इस मंदिर में आने का समय और पूजा आरती का समय भी होता है। मंदिर के अपने रूल्स रेगुलेशंस भी हैं जिनको फॉलो करना होता है। यहाँ के हिसाब से आज काफी गर्मी है, हमें पसीना भी हो रहा है। कुछ देर के लिए हम भूल ही गए कि हम UK में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिण के किसी पहाड़ी मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं। तो हम लोग अभी फाइनली पहुंच गए हैं स्कंदवेल मंदिर। यहाँ पे पूजा का टाइम होता है और हर भगवान के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग अभी शाम में पहुँचे हैं, 6 बजे महाशक्ति मंदिर जाएंगे। 1 घंटे के पूजा में इस बार हम लोगों को बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिला। अलग अलग मंत्र पढ़े गए, दिया और मोमबत्ती दोनों जलाए गए थे। ज्यादातर पुजारी यहीं के मालूम पड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल नई चीज थी हमारे लिए। स्कंदवेल मंदिर किसी एक संस्कृति को नहीं बताती है, बल्कि सर्वत्र मानव मूल्यों को बताती है, जो कि सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा है। हमें यहाँ स्वच्छंद घूमते हुए
हिरण दिखे और हाथी दिखे जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदिर की सादगी अपना आकर्षण और भी बढ़ा देती है। अंदर वीडियो बनाने का या फोटो लेने का मनाही था तो कुछ ले नहीं पाए, ना ही कोई फोटो खींच पाए, ना वीडियो बना पाए, लेकिन शक्ति मंदिर में बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत लंबा पूजा चला और अच्छा लगा काफी। कभी मौका मिले तो इस मंदिर का अनुभव जरूर करें। कंदवेल मंदिर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था हमारा कॉटेज। ये रहा हमारा कॉटेज, 2 दिन का स्टे यहाँ होगा। ओह माय गॉड, अभी तक तो काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शहर से दूर, ना ज्यादा भीड़ ना लोग, बस एक कुत्ते ने हमारा स्वागत किया सबसे पहले तो। शहर से बिल्कुल दूर कहीं पहाड़ियों पर बसा सा लग रहा था ये कॉटेज, जहाँ की बस 2-4 और कॉटेजेस या लॉजेस दिख रहे थे। हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था ये, आवाज के नाम पर बस पत्तों की सरसराहट थी, मुर्गे या कौवों की आवाज थी। भी ना तो रोड लाइट्स थे और ना ही फुटपाथ, जो कि लंदन के सड़कों से बिल्कुल ही अलग था। ये यहाँ पे एक छोटा सा हट भी है जिसका नाम ही है द राइटर्स हट, मतलब यहाँ पर तो कोई भी आकर राइटर बन जाएगा, इतनी शांति है। दूर दूर तक मैदान, हरियाली और बस एक नदी दिख रही थी। किसी भी जगह पर जाकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करने का अपना अलग ही मजा है। तो बस दूसरे दिन हम ऐसे ही निकल गए पास में ही एक बीच देखने, जो कि लैंड स्टीफन बीच कहलाता है। बीच पर पहुंचकर भी हमने देखा कि बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, बहुत ही बड़ा बीच था, काफी सुंदर, साफ सुथरा, बिना भीड़ के। इस बीच की एक खासियत थी जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा था, और ये थे यहाँ के शेल्स जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे, और वो भी जोड़ों में। समुद्र का किनारा भी अलग अलग पैटर्न से भरा हुआ था, जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे बालू में बन रहे थे अलग अलग तरह के पैटर्न्स। ये
रहा एक और झलक समुद्र से जुड़ा सैन स्टीफन शहर का अपना इतिहास बताते हुए। घूमते घूमते हम यहाँ के लैंड कैसल पहुँचे। यहाँ फेमस पोएट और राइटर डिलन थॉमस रहे थे और उन्हीं की वजह से ये काफ़ी जाना जाता है। अब हम आए यहाँ के हाई स्ट्रीट पर। काफ़ी रंगीन सा है, सारी दुकानें हैं, खाने पीने के लिए ढेरों रेस्टोरेंट्स हैं। हमने खाना खूब एंजॉय किया। ये था यहाँ का एक बहुत ही बड़ा सा एंटीक शॉप। हमने यहाँ के लोगों से भी बात की जो कि बड़े ही मजेदार और खुश मिजाज लगे। तो बस ये रहा हमारा साउथ वेल्स का एक खूबसूरत सा यादगार ट्रिप। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप सभी अपना सुझाव जरूर दें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।